আয় ফেরেন এই হিরো হন্ডা 100 সিসি কা গাড়ি 100 সিসি মে সব ওয়েল পাম্প সেম হি লাগতে ওয়েল পাম্প খুলেঙ্গে কই দোস্ত নে মেরে কো ই কমেন্ট কিয়া তো ভাইয়া ইয়ে ওয়েল পাম্প কা ভিডিও বানাও ইসলিয়ে হাম আজ খুলতে তিন স্ক্রু বতায় ये खुल गया इसमें टेढ़े में लगते दूसरा भी खुल दे दो सेम होता है एक थोड़ा सा बड़ा होता है फिर अभी ऑयल पंप को निकाल दिया ये पैकिंग भी रहता है पतला सा ये ऑयल पंप का है ना इधर देखो तो हम लोग पेट्रोल सुवास कर लेते जितना कचरा रास्ता होगा सब निकल जाएगा कपड़ा मार लेते अब इसमें नया ऑयल डालेंगे जब ऐसे मारेंगे तो इधर से ऑयल आएगा ये देखे ऑयल आता है एक हाथ से डालो डालो हाँ छोड़ो ये देखे जैसे इधर घुमाते हैं तो इधर से उठता है ऑयल देखे अभी जब उल्टा घुमाएंगे ये अभी सीधा घूमता ना अभी उल्टा घुमाएंगे चलो डालो इसमें इसमें डालो अभी इसमें इस तरफ डालो छोड़ो जब इधर डालेंगे तो ऑयल इधर से उठेगा प्रेशर से उठेगा इसका मतलब ऑयल पम्प सही है खराब होने से तो हल्का उठेगा जैसा ऐसा ऐसा धीरे धीरे उठेगा धीरे धीरे उस टाइम क्या होता है मोबाइल नहीं जाता है हेड में इसलिए हेड में मोबाइल काम आने का मतलब जो इंजन आवाज़ करता है रोकर साहब टिक 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 स्टोन भी सीज हो जाता है डालो ऑयल डालो इसमें ये देखे फिर जैसे घुमा जाए एकदम तुरंत उठ जाए प्रेशर से उठ जाएगा देखे तुरंत उठ जाता है इसका मतलब ये ऑयल पम्प बिल्कुल सही है ऑयल पम्प जल्दी ख़राब भी नहीं होता है ओरिजिनल ऑयल पम्प ओरिजिनल डालना चाहिए एक स्प्लेंडर में हम लोकल माल डाले थे ज़्यादा दिन लास्टिंग भी नहीं हुआ 6 महीना में ख़त्म ऑयल भी कम उठा जाता जब लेकर आए तो कुछ तो करना होगा तो हम फंसा दिए थे इसे फिर 6 महीना बाद हम ओरिजिनल डाल दिए थे जब लोकल लाया था वो 2012 या 2013 का पहले 12 का लास्ट में नवंबर अक्टूबर नवंबर में पैकिंग लगा ऐसा पतला सा ये तो पुराना वाला हम लोग नया लगाएंगे पैकिंग तो फिर ये तो पुराना वाला हम लोग नया वाला डालेंगे नया वाला हो गया डाल दिया इसमें ऑयल लगा दिया इसमें ना वो हम लोग यूज नहीं करेंगे लेकिन फंस गया फिर इसमें थोड़ा कपड़ा मार लेते सिर्फ उस दोस्त के लिए हम बनाए वीडियो तो ये हम नहीं खुलते थे पहले हम लोग को मालूम था ये सही है वॉश करने का तो हम देख ले
फिर हम बैठ गया, अब पिगिन को थोड़ा ढेर से फंसा देते हैं, आप पिगिन भी फंस गया। अभी फिर बोल रहा है चार नंबर खोला, ये देखिए लगता है 10 नंबर का थे, ये 10 नंबर नहीं होगा शायद, लगता है 10 नंबर फिर लगता है नहीं, तो हम लोग ये बोला था ये एक्चुअली 10 नंबर का थे ट्रैक, जैसे ये बोल नाट हो गया 10 नंबर का, ये चूड़ी जो 10 नंबर का है, इंजन का एक बोल देखते लाख नंबर या इंजन का बोल, ये इंजन बोल भी 10 नंबर का थे उठ रहा है, सब 10 ही नंबर का होता है अक्सर, तो ये अभी फंसा देते हैं। सही से आता है ना ये, अब दो सेम होता है साइड में लगता है बड़ा वाला, इसमें हाइट भी ज़्यादा है, ऑयल पंप का कवर होता है लगता है, इसमें स्प्रिंग रहता है अंदर में, देखिए ये घूमता है, इससे बहुत ही सही रहता है, कोई जाम ना भी होता है, हाथों हमारे से आराम से खुल जाता है। ऑयल पम्प है, इसमें प्रॉब्लम आ गया था, ऑयल कम उठा था, पिस्टन हम एक बार लगाए थे सीज हो गया, तब जब सीज हो गया मोबाइल भी इंजन में सीज आने का कारण ऑयल पम्प को शॉक हुआ, तो वैसे जैसे ट्राइफिट कवर होता है ये खुले तो ऑयल आता है मालूम नहीं चलता, जब पम्प हम नया लगा दिए तब बिल्कुल सही हो गया, ऑयल पम्प इंजन बनाने का तब जरूरी है, जैसे पुराना गाड़ी ये नया लगा देने से अच्छा होता है, ओरिजिनल रिस्क नहीं होता है, पिस्टन सीज नहीं होगा जल्दी। ये ऑयल पम्प हो गया सुपर का, सुपर गलेमान, और ये छोटा होता है थोड़ा 100 cc वाला। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जो दोस्त ने मुझे कमेंट किया था जो ऑयल पम्प का एक वीडियो बनाना दोस्त, हम भी उसमें लिख दे जरूर बनाएंगे दोस्त, तो आज मौका मिल गया तो बना दिए ऑयल पम्प का, तो वीडियो यहीं पे एंड करते, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।